तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ रेड क्रिमिनल रिटर्न के बारे में। सो गाइस, कैसे हो सब लोग बताओ। सो गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो, गलत नहीं सुन रहे हो। क्रिमिनल बंडिल आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था इस अपडेट के बाद आएगा। सो इसका नेम जो होने वाला है गाइस, वो तो मैंने पहले रिवील कर दिया था, नियॉन क्रिमिनल आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक नया क्रिमिनल बंडिल, ये एक्चुअली पुराना बंडिल नहीं है, ये एक नया क्रिमिनल बंडिल होने वाला है। अब ऐसा क्यों होने वाला है, वो चीज के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। उससे भी पहले बात करेंगे यहाँ पे अपकमिंग न्यू डबल बैरल के ऊपर, उससे भी पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होने वाला पता आप लोगों को? फिफ्थ एनिवर्सरी के फ्री आइटम्स के ऊपर क्या क्या मिलने वाला है। इसीलिए तो आप लोगों को बोलता हूँ गाइस कि अपना हाथ लो, थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप सब्सक्राइब कर डालो, आपको हर एक सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइस एक बात बताओ, आप लोग शॉर्ट्स देखते हो ना? नहीं। अच्छा चलो, सब लोग तो नहीं सही, कुछ लोग तो हो इंटरेस्टेड शॉर्ट्स के बारे में। हाँ। तो सेकंड चैनल शॉर्ट्स का यार किस लिए बैठे हो, अभी जाके सब्सक्राइब करो रेगुलरली शॉर्ट्स पार्ट डे बहुत ज्यादा मस्ती के साथ। तो गाइस आप में से जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दो, इस ओबी अपडेट के बाद आप लोगों को दो नए इबो स्किन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक होगा M1887 का, दूसरा होगा A94 का। वेरी गुड। तो कल के वीडियो के अंदर जब मैंने आप लोगों को पूछा ये कौन सा स्किन होने वाले, तब मुझे नहीं पता था, बट आप में से बहुत सारे लोग सही गेस कर दिए, तो भाई आप लोगों के लिए तो एक लाइक बनता ही है यार। तो गाइस ये है अपने N94, जिसका लेवल 1 का लुक आप लोग देख सकते हो। लेवल 3 पे आप लोगों को लुक चेंज होता है देखने के लिए मिलेगा, कहीं ना कहीं अच्छा लुक आ जाएगा उसके अंदर। और लेवल 7 वाला लुक तो आप लोग देख ही सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में। और इसी के साथ गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो अपना डबल बैरल, इसका भी इवो स्किन यहां पे पर्पल थीम के साथ आने वाला है। इसका मतलब समझे दया? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई भाई। फिफ्थ एनिवर्सरी के बाद ही आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, या तो उसी टाइम पे, क्योंकि फिफ्थ एनिवर्सरी का जिस बार का थीम है वो पर्पल कलर के अंदर है। सो यहाँ पे आप लोग इसका एट्रीब्यूट्स तो मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी देख सकते हो, डैमेज डबल प्लस, रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस एंड मूवमेंट स्पीड माइनस। और गाइस बात की जाए यहाँ पे इसकी लुक की, तो लुक बहुत ही ज्यादा जहरीला लग रहा है, खतरनाक लुक है यहाँ पे। गाइस आप लोगों को यहाँ पे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी गाइस बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिमिनल के बारे में। तो गाइस क्रिमिनल का क्या सीन है मैं आप लोगों को बता दूं। देखो क्रिमिनल का क्रेज बहुत ज्यादा है। आप में से जो लोग सोचते हो ग्रीन क्रिमिनल के बारे में कि ग्रीन क्रिमिनल अच्छा बंडल नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सबसे रेयरेस्ट बंडल था, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल करवा दिया गया। उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हो कि रेड क्रिमिनल कोई बड़ी बात है नहीं, भले इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, बट ये तो इलाइट पास का पार्ट है नहीं, तो ये आना बहुत सिंपल है। क्या बात करता है यार। तो यहाँ पे गरीना इसको लाने वाला है, बट रेड का रेड नहीं पकड़ा देगा, मतलब जो पुराना है उसको पुराना रखेगा। ये कहीं ना कहीं बिजनेस स्ट्रेटेजी होने वाला है, मतलब जो अपना रेड क्रिमिनल था ना वो रेड ही रहेगा, बट एक जो नया क्रिमिनल आएगा वो भी रेड होगा। समझे कुछ? ये क्या है? नहीं समझे, समझा देता हूँ। ये जो अपना नया क्रिमिनल होने वाला है, इसका नेम होगा नियॉन क्रिमिनल। और जैसे रैम्पेज का बंडल दो कलर चेंज करता है, वैसे ही ये क्रिमिनल भी कलर चेंज करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग इसका एक इमेज देखोगे, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले ही दिखा दिया था, तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो क्रिमिनल बंडल है इसके बॉडी में सफेद सफेद सा कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाथ के राइट साइड पे देख सकते हो एक काला सा बैंड टाइप का देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इसको रेड का रेड नहीं रखा गया, इसको चेंज कर दिया गया डिजाइन वाइज, बट हाँ फिर भी इसका स्टाइल रेड से मिलता जुलता, क्या बोलूं, 90% सेम ही है। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, मतलब रेड क्रिमिनल का क्रेज रहेगा, बट ऐसा लोगों को मन रखने के लिए एक और रेड क्रिमिनल आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये कलर चेंज जो करेगा गाइस कुछ इस तरीके का हो सकता है आपको देखने के लिए मिले, जहाँ पे रेड क्रिमिनल से डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो चेंज होता होता आपको देखने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा कलर इसके फेस के मार्क्स के ऊपर, और यहाँ पे जो नियॉन कलर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और बॉडी पार्ट पे आपको सफेद सफेद सा स्ट्राइप देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब रेड क्रिमिनल से ये क्रिमिनल पे चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। समझ रहे हो अब यहाँ पे सीन क्या है, मतलब लोगों का मन भी रखना हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा भी रह गया कि भाई ये क्या दे दिया यार, ऐसे टाइप का, समझ रहे हो। और गाइस रेड क्रिमिनल अगर बाद में इन फ्यूचर कभी आ भी जाता है पूरा का पूरा, तो क्या होगा, उसका भी हाल ग्रीन क्रिमिनल जैसा होगा, कोई क्रेज नहीं रह जाएगा उसके बाद, इसका कोई मजा नहीं रहेगा पहनने में। तो वही गाइस आप लोग समझ गए सारी चीजें। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, लाइक है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर किया करो दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।